यस फ्रेंड्स, इक्वेशन वाला जो यूनिट है उसमें जब हमने स्टार्ट किया था तभी बोला था कि उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगा लीनियर इक्वेशन और एक होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या फर्क है, तो वो बोला था कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल वन है तो वो लीनियर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टू होगा तो वो क्वाड्रेटिक है, लेकिन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल थ्री है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। वैसे क्यूबिक इक्वेशन को बहुत सारा कुछ पढ़ना नहीं है, बहुत थोड़ा सा उसमें पढ़ना है, तो मैंने उसका अलग चैप्टर नहीं बनाया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में ही लास्ट में एक पार्ट हमने क्यूबिक इक्वेशन रख दिया। देखो क्यूबिक इक्वेशन का ये फॉर्म के हिसाब से एक मैंने एक इक्वेशन यहाँ रखा हुआ है कि एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन को मैं फैक्टराइज कर सकता हूं, हां कर सकते हैं, और यूज करेंगे रिमाइंडर फैक्टर का, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम जो है उसका यूज करते हैं। लेकिन मुझे एक फैक्टर पता होना चाहिए, कैसे पता चल सकता है कि ये जो कोएफिशिएंट है उसका मैं टोटल करूं, इसका ये मतलब होगा कि एक्स की जगह पर मैंने वन रख दिया है, मान के ये चलता हूं, तो यहां कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 5 प्लस 11 तो प्लस 6 प्लस 6 माइनस 6 जीरो हो रहा है, तो कोएफिशिएंट का टोटल जीरो हो रहा है। तो वो जीरो कब होगा, जब यहां x की वैल्यू में 1 रख दूं, तो ये सभी सिर्फ कोएफिशिएंट का ही टोटल में कर रहा हूं, इसका मतलब एक फैक्टर x इक्वल्स टू 1 है, या एक रूट x इक्वल्स टू 1 है, और x 1 है तो आप मान के चलो कि x माइनस 1 करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, दैट मींस वन ऑफ द फैक्टर इज x माइनस 1। तो एक फैक्टर मुझे कहीं से भी पता चल जाए किसी भी टेक्निक से, तो x माइनस 1 फैक्टर पता चल गया तो मैं पूरा उसका फैक्टराइजेशन कर सकता हूं। देखो कैसे, यहां पर ऐसे केस में आपको दो स्टेप एक साथ करने हैं। कौन से, मैं इस तरीके से ये फिगर पूरी लिखूंगा कि हमेशा x माइनस 1 एक फैक्टर बना रहे, जैसे ये x क्यूब है तो मैंने x क्यूब लिखा, लेकिन इसके बाद मुझे ऐसे वैल्यू लिखना है जिसमें x माइनस 1 फैक्टर हो, तो x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो एक x तो बचेगा, x क्यूब के लिए मैंने लिखा, लेकिन मुझे इस तरीके का चाहिए, x स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो x माइनस 1 ऐसा एक फैक्टर बनना चाहिए। तो इसको मैं यहां पर देखूं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्चुअली मेरा सेकेंड टर्म जो है वो एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो ही मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस 1 ऐसा मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं। कब लिख सकता हूं, जब यहां पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसी के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन एक्चुअली एक माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है, माइनस ऑफ 6 एक्स स्क्वायर है, तो मैंने मुझे ये चाहिए तो मैंने रख दिया, लेकिन इसके साथ एडजस्ट करूंगा तो माइनस 5 एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस 6 एक्स स्क्वायर को मैंने स्प्लिट किया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ये स्प्लिट करने से यहां एक मेरा टारगेट खत्म हो रहा है। अच्छा, और फिर ये इसके साथ मैच करने के लिए मैंने बाद में माइनस 5 एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करते हैं, फिर से मुझे x माइनस 1 कॉमन निकालना हो तो माइनस 5x कॉमन निकालने के बाद x माइनस 1 ऐसा लिखूं मैं, तो माइनस ऑफ 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x होना चाहिए। जब ये इस तरीके का होगा तो ही आप ये स्टेप लिख पाओगे, तो मैं पहले ये स्टेप लिखता हूं उसके हिसाब से ऊपर वाला स्टेप एडजस्ट करता हूं, और जब मैंने एडजस्ट किया तो मुझे पता चला कि इसको तो मैंने यहां एडजस्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे 5x चाहिए लेकिन एक्चुअली 11x है, तो एक काम करते हैं प्लस 6x हम लिख देते तो 11x सेट हो गया, और जब मैंने प्लस 6x लिखा तो उसके बाद भी मुझे कॉमन में से 6 को कॉमन निकालो क्योंकि x तो बचना चाहिए, तो x माइनस 1 चाहिए, तो 6x के बाद माइनस 6 मुझे चाहिए, और मैं यहां पर देखो तो वो माइनस 6 है ही, तो सब कुछ प्रॉपरली एडजस्ट हो गया है, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या किया हमने, x क्यूब को एज इट इज लिखा,
माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर को ऐसे स्प्लिट कर दिया, फिर 11x को मैंने 5x प्लस 6x में लिखा और माइनस 6 एज इट इज कर दिया। लेकिन यही क्यों लिखना है वो नेक्स्ट स्टेप पहले से लिखेंगे, उसके हिसाब से ये मिडल स्टेप एडजस्ट करेंगे। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर x माइनस 1 तो कॉमन तीनों में से है तो वो कॉमन में लिख लेता हूं, x माइनस 1 जो बचा वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मैं फैक्टर से भी सॉल्व कर सकता हूं, तो 6 के फैक्टर माइनस 5 6 तो 3 टू 6 माइनस 3 माइनस 2 से काम हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 और इसके लिए x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x माइनस 1 इज 0 क्योंकि ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, मतलब तीनों में से कोई भी एक फिगर 0 होगा, या तो x माइनस 3 इज 0 या तो x माइनस 2 0, और इसके हिसाब से देखा जाए तो x इज 1 और x इज 3 और x इज 2। तो x की पॉसिबल वैल्यू यहां पर रूट्स, क्यूबिक इक्वेशन है, तीन रूट निकलेंगे और ये पॉसिबल रूट्स है 1, 2, 3। वैसे देखा जाए तो ये एक क्वेश्चन ही है, ये हमारा जो MCQ नंबर 72 है वही मैंने सॉल्व कर दिया, और इस तरीके से आप रूट्स निकालो और आपका आंसर होगा बी, पॉसिबल वैल्यूज आर 1, 2 एंड 3, तो आपका आंसर है बी। चलिए, समझने के लिए तो ये सब बराबर है, लेकिन जब मुझे रूट्स ही निकालने हैं एक्स की पॉसिबल वैल्यू, तो मैं ट्रायल एंड एरर से क्यों ना करूं। एक बार समझ लो इसका लॉजिक, लेकिन मैं सॉल्व ट्रायल एंड एरर से कर सकता हूं, आंसर को ही इक्वेशन में डाल दो। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ो, द सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज 0 इज गिवन बाय द ट्रिपलेट, कौन सा ट्रिपलेट करेक्ट है, तो आप एक काम करो, ऑप्शन ए माइनस 1 डाल दो, फिर 1 और माइनस 2, ऑप्शन बी में 1, 2, 3, ऑप्शन सी में 2 माइनस 2, 2, 3 एंड ऑप्शन डी में 0, 4 माइनस 5। ये सभी में कॉमन वाले, कॉमन रूट्स वाले क्या है, 1, 2 और 3, तो वही तीनों को चेक करेंगे। ए को चेक करेंगे, माइनस 1 आया तो वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है चेक कर लो, चलो नहीं हो रहा है तो ए ऑप्शन निकल गया। फिर बी जब सॉल्व करेंगे, 1 से मैच हो रहा है तो हम 2 भी चेक करेंगे, और 2 से मैच हो रहा है तो 3 भी चेक करेंगे, सब चेक कर लिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करके भी, ट्रायल एंड एरर करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हैज थ्री रूट्स, नेमली 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, 1 माइनस 2, माइनस 1, 2 माइनस 2 एंड 1, 2, 2। चलिए पहले चेक कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने से वैल्यू क्या सेटिस्फाई होती है। सपोज मैं 1 को लेके काम करूं तो क्या होगा, पहले मैं 1 को ले रहा हूं, ऑप्शन ए को इवेल्युएट कर रहा हूं, 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2, 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, तो ये तो हो गया 0। तो इसका ये मतलब हुआ कि x इक्वल्स टू 1 पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो 1 जहां पर है वो ऑप्शन 1 नहीं है, वो तो ऑप्शन पहले से रूल आउट हो जाएगा। तो यहां पर भी 1 है लेकिन यहां C में नहीं है, तो ऑप्शन C को तो इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, ऑप्शन A का 1 के बाद दूसरा जो रूट है वो माइनस 1 है, तो हम माइनस 1 को भी चेक करते हैं। माइनस 1 क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 2, ये माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2, तो देखो ये भी 0 हो रहा है, इसका मतलब माइनस 1 भी एक रूट तो है। तो इस जहां पर माइनस 1 और माइनस 1 दोनों है वही आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे, तो 1 और माइनस 1, तो यहां पर 1 तो है लेकिन माइनस 1 नहीं है, मतलब ये भी रूल आउट हो गया। अब ए या बी में से कोई एक आंसर होगा, मतलब 2 या माइनस 2 में से कौन सेटिस्फाई करता है, चेक करते हैं। पहले 2 को चेक करते हैं, 2 क्यूब प्लस
टू स्क्वेयर माइनस टू माइनस टू, टू क्यूब एट प्लस एट माइनस टू माइनस टू, तो ये जीरो तो नहीं हो रहा है, ठीक है, 16 माइनस फोर मतलब 12 हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि ए भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी हुआ। तो ट्रायल एंड एरर से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सर इसको मैथोडिकली भी एक बार बताओ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पहले जो हमने देखा था, इसके एक और प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है, तो मैथोडिकली भी इसको देखते हैं। ओके, देखो मैथोडिकली में आपने देखा कि x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, मतलब एक फैक्टर, एक रूट 1 है, इसका मतलब x माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा। तो मैं हमेशा x माइनस 1 को निकालने की कोशिश करूंगा और दो स्टेप एक साथ करेंगे, ठीक है। तो पहले ये x क्यूब है, सपोज मुझे x क्यूब में से x को मैं x स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो एक x बचेगा, लेकिन इसके साथ x माइनस 1 होना चाहिए, तो ऊपर कौन सा सिस्टम होना चाहिए, x क्यूब माइनस x स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो प्लस 2x स्क्वायर है, तो ऐसे ही माइनस x स्क्वायर हम लिख नहीं सकते, तो हमने लिख दिया है, तो उसको एडजस्ट करेंगे प्लस 3x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर मैच हो गया। अब जब मैं प्लस 3x स्क्वायर लिखूंगा तो यहां से भी 3x को कॉमन निकाल के x माइनस 1 कर सकते हैं, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 3 होगा, तो ये काम कर सकते हैं माइनस 3x, लेकिन यहां माइनस 3x नहीं है, यहां तो माइनस x है, तो माइनस एक्स के लिए मुझे एडजस्टमेंट में लिए प्लस 2x देखना पड़ेगा, और जब मैं प्लस 2x लिखूंगा तो 2 कॉमन निकाल के x माइनस 10, तो 2x माइनस 2 होना चाहिए, तो वो माइनस 2 तो है, तो ये परफेक्टली सेट हो गया, जो आपके रूट परफेक्ट, आपका जो परफेक्ट होगा फिगर मतलब ये फैक्टर, उससे आप काम करोगे तो लास्ट स्टेप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो ही जाएगा। अब क्या करेंगे, तो x माइनस 1 कॉमन निकालने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 के ऐसे फैक्टर 2 वन ज़ा 2 प्लस 2 प्लस 1 से 3 भी हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो आप बोल सकते हो कि x माइनस 1 इज 0 और x प्लस 2 इज 0 और x प्लस 1 इज 0, तो x का मतलब 1 या फिर माइनस 2 या फिर माइनस 1, और ये ऑप्शन बी में है। मैथोडिकली मैंने इसलिए सॉल्व किया कि एक दो क्वेश्चन आप देखो तो आपको समझ में आए कि इस तरीके से, और कभी कभी मैथोडिकल वे से कंपलसरी जाना हो, ऐसा सिचुएशन हो जाए तो भी आप समझ पाओ, इसकी वजह से हमने ये रिमाइंडर थियोरम का यूज करके फैक्टराइजेशन किया हुआ है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 क्या है। x, x माइनस 4, x प्लस 5 आर द फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, तो कौन सा इक्वेशन होगा, ये चार ऑप्शंस हमारे पास है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की दो तीन टेक्निक है, वैसे ओरली भी ये सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसके लिए एडिशनल मैथमेटिकल माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। देखो जो भी इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड के फैक्टर्स जो है ये है x, x माइनस 4 एंड x प्लस 5, इसका ये मतलब हुआ कि फैक्टर जब आप निकालोगे तो ऐसा होगा x, x माइनस 4, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूं, इसी को सॉल्व करूं, क्योंकि ये तीन फैक्टर है और वो जीरो है, तो मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूं, चलिए एक्स को डिस्टर्ब ना करे तो भी, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फाइव को कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर एक्स इंटू द ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0, चलो ये एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x इज जीरो। इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो रहा है, और ये कौन सा ऑप्शन है देख लो, ये ऑप्शन बी है, तो आप बी में टिक मार्क कर सकते हो। दूसरी टेक्निक ये है कि एक्स एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस फाइव आपके फैक्टर्स है, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, या तो एक्स इक्वल्स टू फोर हो सकता है, और एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव हो सकता है। जीरो फोर और माइनस फाइव ये तीनों कहां पर सेटिस्फाई हो रहे हैं? पहले जीरो से तो सेटिस्फाई सब होने वाले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर देखेगा तो माइनस टू आ जाएगा तो नहीं हो पाएगा, और जीरो से सेटिस्फाई होने वाला यहां पर देखो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी। तो मैं ये सोचूंगा ओरली देखा जाए तो कि एक एक्स का एक रूट, ये इक्वेशन का एक रूट जीरो है, और एक्स की वैल्यू में जीरो डालेंगे, और आंसर राइट हैंड साइड का जीरो तभी हो सकता है जब हर जगह पर, जैसे यहां पर एक जीरो जीरो करेंगे तो माइनस टू बचेगा, यहां पर जीरो जीरो करेंगे तो ट्वेल्व बचेगा, यहां माइनस सिक्स। यही एक ऐसा है कि यहां जीरो रखेंगे तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो सकता है जो RHS से मैच होता है। तो बाकी के काम के नहीं है, सिर्फ बी ही काम का है। ये मैथोडिकली भी आप कर सकते हो, और या इस तरीके से भी कर सकते हो। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेस्ड ऑन दिस यू कैन कंप्लीट ऑल अदर क्यूबिक इक्वेशन क्वेश्चन एंड फिनिश द चैप्टर एंड कंप्लीट अप टू 81। तो आप ये पूरा टॉपिक यहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। आप लोग पूरा काम खत्म कर लो, ठीक है, आपने काफी स्लोली काम किया होगा, अभी आप थोड़ा स्पीड से काम कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।